टीवी बुलेटिन लाइव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से संजय राय की खास रिपोर्ट। भयमुक्त शासन देने के वायदे पर खरी उतर रही भाजपा शासन में खनन माफियाओं, गौ तस्करों और किसी भी अपराध में संलिप्त अपराधियों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। गाजीपुर पुलिस ने 3 गौ तस्करों की 5,20,00,000 की संपत्ति की कुर्क। और समाचार विस्तार से, खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 3 गौ तस्करों की 5,20,00,000 की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने गौ तस्कर अकील कुरैशी, गफ्फार कुरैशी, वाहिद अली की संपत्तियां कुर्क की है। पुलिस ने गौ तस्करों की जमानिया थाना क्षेत्र के जमानिया कस्बे में 8 संपत्तियां कुर्क की है, जिनकी अनुमानित कीमत 5,20,70,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की कार्यवाही की है। गाजीपुर पुलिस के इस कदम से अपराधियों में खलबली मच। हेलो, सुनो ग्रामवासियों, सुनो, उधर मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश संख्या 119/18 गहमर कुर्की 2022 के अंतर्गत दिनांक 22 सितंबर 2022 को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आज दिनांक 30/9/22 को मुकदमा अपराध संख्या 284/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जमनिया जनपद गाजीपुर से संबंधित अभियुक्त अकील कुरैशी पुत्र अकील शाबिर कुरैशी निवासी कसाई मोहल्ला कस्बा जमनिया के नामी संपत्ति मौजा लोधी पुरखास में ही आराजी नंबर 85/1 में कुल रकबा 17.642 जो अकील के कुरैशी अकील के सहयोगी मक्कुनू कुरैशी सरवर कुरैशी नाज कुरैशी की माता कुरैशा बेगम पत्नी बिलाल कुरैशी के नाम से भू संपत्ति क्रय की गई थी। आज दिनांक 30/9/22 को उपरोक्त आराजियत को कुर किया जा रहा है। सुनो, आज कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश संख्या 100/2022 अंतर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के 1986 के अनुपालन में आज दिनांक 30/9/22 को थाना जमनिया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 284/2022 30.25 वर्ग मीटर भूमिखंड जो वाहिद कुरैशी के नाम से क्रय किया गया है, आज दिनांक 30/9/22 को आराजी नंबर 44 भूमि को कुर्क किया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण हेतु लगातार माफियाओं के ऊपर और गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है। इस बार अभियान के तहत गौकशी करने वाले जितने भी इस तरीके के गिरोह हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में एसपी आरए अभिषेक भारती और उनकी टीम के अंदर कुछ जितनी भी इन लोगों की जो बेनामी टाइप की संपत्ति है, जो इस तरीके के धन से अर्जित संपत्ति है, सभीों को धारा 14(1) में कुर किया गया है। आज 3 व्यक्तियों की नगर संपत्ति, इसमें अकील कुरैशी और गफ्फार कुरैशी और वाहिद अली, इन तीनों की अन्य संपत्तियाँ, जो जो संपत्तियाँ इन लोगों ने अपने नाम पे और अपने परिजनों के नाम पे रखी हुई थी, कुल लागत जो है इन संपत्तियों की कुछ अनुमानित कीमत 5,20,70,000 रुपये है। ये संपत्तियाँ धारा 14(1) में कुर की जाती हैं।